ब्रो भाई बर रहा था श्री और भाई जान, स्वागत है तुम्हारा पोकी गेमर के एक और नई वीडियो में, जहां पे आज तुम लोग देखने वाले हो टॉप 5 जीबीए रोम्स। बट रुको जरा, सबर करो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल यू गाइस। आई डोंट नो तुम्हारा पिछला साल अच्छा गया ना गया हो, लेकिन आने वाला साल अच्छा जाए। ओके और तुम चाहो तो मेरा साल भी अच्छा बना सकते हो, बस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन आ रहा होगा उसको नीला कर देना, एंड सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा उसको रेड से काला कर देना। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओके चलो इन सब टॉपिक्स को साइड रखते हैं एंड चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली गाइस जितने भी रोम्स हमने सेलेक्ट किए हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं स्टोरी लाइन को। तो तुम भी अगर उनमें से एक हो जिनको सिर्फ एस वाले गेम खेलना पसंद नहीं है, मतलब जो एनिमी पे सिर्फ बेस्ड रहते हैं वो वाले गेम्स खेलना पसंद नहीं है, तो तुम बिल्कुल सही जगह पे आए हो। और इनमें से जो सेकंड चीज़ है जिनको हम प्रायोरिटी देते हैं वो है ग्राफिक्स। मतलब ग्राफिक्स तो तुमको पता ही है जीबीए गेम्स में कैसी ग्राफिक्स मिलती है, बट जिन रूम्स का मैं आज नाम लेने वाला हूँ, दे हैव अ फैंटास्टिक ग्राफिक्स। मतलब देख के तुम एक बार में पसंद कर लोगे। वेल मैंने तुम्हारा कुछ ज़्यादा टाइम खा लिया तो या चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर तुमको इनमें से कोई गेम डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुमको नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तुमको वीडियो के लास्ट पोर्शन तक जाना है, मतलब वीडियो के लास्ट पोर्शन में मैं तुमको बता दूंगा तुमको डाउनलोड कैसे करना है। वेल तब तक वेट करना। तो जो 5th नंबर पे गेम आता है उसका नाम है पोकेमॉन डार्क रियल्म। अब अगर तुम ऐसे पर्सन हो जिसको डार्क स्टोरी पसंद आती है तो भाई, तो मैं तुमको 100% सियोरिटी दे सकता हूँ ये गेम तुम्हारे लिए बनी है। मतलब इसमें क्या नहीं है तुम ये चीज़ बताओ। इतना अमेजिंग सा ग्राफिक्स है जिसको तुम देख के पिघल जाओगे, मतलब तुम्हारा मन डोल जाएगा। आई देखो कितनी अमेजिंग ग्राफिक्स है, साथ ही साथ तुमको जो स्टार्टर्स मिलते हैं, मतलब तुम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना स्टार्टर्स इसमें, हर रीजन के हर स्टार्टर्स हैं। और यही नहीं, उस रीजन के लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी दिए हुए हैं, मतलब उसके फर्स्ट स्टेज में, मतलब कमजोर वाले। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने सिर्फ गेम की अच्छाई वाली बात की, मतलब अच्छी वाली बात की। वेल अब मैं इसकी थोड़ी सी कॉन्स बताता हूँ, जो कि सच में कुछ नहीं है, मतलब थोड़ी मोड़ी चीज है जो कि ये गेम पुरानी है। यस पुरानी है, लेकिन अगर तुमने नहीं खेली तो तुमको खेलना चाहिए। और भाई इसमें कोई भी कमी नहीं, मतलब हर चीज है, बिल्कुल नया रीजन है, मतलब तुम जाके एक्सप्लोर कर लो। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की ओर। सो द गेम एट नंबर 4 इज सस्ता पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड। यस यू आर राइट, इसका नाम सस्ता है क्योंकि ये जीबीए वर्जन है। वेल इस गेम में हर वो चीज है जो तुमको चाहिए, मतलब गिगंटामैक्स पोकेमॉन, मेगा पोकेमॉन गलारियर रीजन। इन वन वर्ड, दिस गेम इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड अगर तुमने इस गेम को खेल रखा है तो चिंता मत करो, इसका जो अपडेट है आइजल ऑफ आर्मर उसका भी प्रोग्रामिंग चल रहा है, एंड आई थिंक सो जैन के लास्ट में तुमको वो देखने को मिल भी जाए। वेल लेट्स टॉक कि ये गेम 4 नंबर पे क्यों है, क्योंकि सबसे पहला रीजन, इसका जो मेन वर्जन है वो इंग्लिश में नहीं है भैया, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एंड इसका जो डब्ड वर्जन है जो कि इंग्लिश में है, उसमें भाई बहुत सारे ग्लीचेस है, बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे मिली है। फिलहाल अभी जो तुम देख रहे हो इंग्लिश वर्जन ही है, चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश वाला वर्जन है बहुत सारे ग्लीचेस है, मतलब टाउन मैप खोलोगे तो तुम्हारा गेम फ्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट अगर उन ग्लीचेस को हटा दे तब भाई ये गेम बवाल है। एंड चिंता मत करो, तुमको अगर खेलने में दिक्कत होगी तो प्लेलिस्ट हमने तैयार रखा है, तुम जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वेल ले चलते हैं तुमको मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गेम, दैट इज ऑन नंबर 3। सो यस, जो गेम नंबर 3 पे है दैट इज पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड। तो भाई गेम प्ले दिखाने से पहले मैं बोल देता हूँ, गेम प्ले मेरा नहीं है, ये है रोम्स प्राइड भैया का, तो तुम जाके उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड भाई ये गेम बवाल है, मतलब ये गेम अभी तक रिलीज नहीं हुई है, या फिर शायद हो भी गई हो, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फर्स्ट जेन को इस गेम को रिलीज करेंगे, लेकिन आई थिंक आज ही फर्स्ट जेन है, मतलब आज 31st है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड होपफुली अगर ये गेम रिलीज हो गया होगा तो तुमको मैं लिंक अपडेट कर दूंगा जैसे भी मैं करूँ। एंड भाई लुक, दिस इज माई वन ऑफ फेवरेट गेम, मतलब बहुत चीज़ें इसमें, हर चीज़ है, मतलब हर चीज़, एब्सोल्युटली हर चीज़। लेकिन पिछला इसका जो वर्जन था उसमें सबसे बुरी बात ये थी कि ये एक फायर रेड का रोम हैक है, तो इसीलिए मुझको उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ,
इसमें हर वो चीज है, मतलब कूट कूट के इसमें चीजें डाली गई है। एस, ब्रैंडन, मी, ट्रेसी, मतलब राइवल्स की तो लाइन लगी रहती है इस गेम में। बिल्कुल मजा आ जाएगा तुमको खेल के। एंड अगर तुमको इसको देखना है तो तुम जाके हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। एंड या ऑफ कोर्स लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट। यस, दिस गेम इज बेस्ट। एंड जब से मैंने इस गेम को खेला भाई, एब्सोल्युटली मैं इसका दीवाना हो चुका हूँ। मतलब यार गेम बहुत मजेदार है, तुम बस एक बार खेल के तो देखो। यस यस यस, गेम प्ले देख के तुमको पता चल ही गया होगा, दिस इज पोकेमॉन अनबॉर्न वर्जन। अब तुम इसके पिछले वर्जन पे मत जाना क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसमें अपडेट आया था। एंड भाई दिस गेम बिकेम्स द क्रेजीएस्ट वन। मतलब भाई इसकी स्टोरी लाइन एकदम नई स्टोरी लाइन, साथ में इसके रीजंस बिल्कुल नए रीजंस। यार तुम बस खेलो, मैं इसके बारे में ज्यादा बोलने वाला नहीं, तुम बस खेलो। एंड अगर तुमको अभी भी ठीक नहीं लग रहा तो तुम जाके इसका फर्स्ट पार्ट चेक करो, पोकेमॉन अनबॉर्न का, हमारे चैनल पे ही अपलोडेड है, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। बस उसके बाद तुमको इसको खेलने का मन करेगा ही करेगा। क्या शौक हो गए? ये शौक तो होने वाली बात है ही, क्योंकि नंबर वन पे जो गेम है, यस दिस इज पोकेमॉन एडवेंचर्स रेड चैप्टर। एंड मैं तुमको बता रहा हूँ इस गेम की पॉपुलैरिटी मतलब इस लेवल पे, इतने ऊंचे लेवल पे है, मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में। मैं कुछ ज्यादा बोल ही नहीं सकता क्योंकि तुम लोग में से बहुत ज्यादा लोग इसको पहले बार ही मतलब पहले ही खेल चुके होंगे। वेल 2020 में इस गेम में अपडेट आया एंड भाई उस अपडेट ने इस गेम को बिल्कुल क्रेजी बना दिया। मतलब अगर तुम इंडिया में हो और तुमने इस गेम को ट्राई नहीं किया तब क्या कर रहे हो, मतलब तुमने कोई गेम खेला ही नहीं है। सो गेम के बारे में बताओ तो इसमें कोई भी कौन सा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा गेम है। एंड इसमें जो भी कौन से तुम ही बताना। तो मैंने तुमको बोला था कि मैं लास्ट में तुमको बताऊंगा कि इन सब गेम्स को तुम कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी तक मैंने लिंक बनाया नहीं है, मैं सोच रहा हूँ रात में जब जाऊंगा तो मैं बनाऊंगा। तो तुमको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो तुम फेसबुक पोस्ट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, ये हमारे ऑफिशियल पेज पे। एंड वहाँ पे तुमको सारे लिंक्स मिल जाएंगे कैसे डाउनलोड करना है, या फिर अगर मैंने उस पे अगर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया होगा उसको कैसे डाउनलोड करना है तो मैं तुमको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा वहीं पे। सो आई होप गाइस वीडियो देख के तुमको मजा आया होगा, थोड़ा सा भी मजा आया तो यार लाइक के बटन को क्लिक कर देना। एंड सब्सक्राइब करना ना करना वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, क्योंकि देखो हम लोग अपने चैनल पे रेगुलरली गेम प्ले की वीडियोज अपलोड करते हैं। तो तुमको अगर गेम प्ले की वीडियोज अच्छी लगती है तो तुम हमको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी से टॉप 5 की वीडियोज बनाता नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुमको बहुत अच्छा कंटेंट मिले, तुमको खराब कंटेंट नहीं मिले। और अगर मैं रोज यही वीडियोस डालने लगा तो भाई मैं कहाँ से गेम लाऊंगा। एंड हर वीडियो में सेम गेम्स के नाम रिपीट होते रहेंगे, सो मैं ये नहीं चाहता। वेल मिलूंगा तुमसे एक और ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।